नमस्कार रोकटोक आपको स्वागत करशीष आज जहाँ विषय वस्तु रोच दिगहरा तदंत एटि जो मैंने पैनेलिस्ट अच्छा जो मैंने आमको देखुं अर्गस ये समस्त उद्देश्य हो नयगढ़ से कुनी झीटी को न्याय मिलू किंतु एस आई टी जो दिगरे तदंत करुच्छी लगुच तदंत हो दिगहरा यही मुँह कौच काली लेगिंगस मिलला आज गोटे गामुछा मिली जो थे कहते रक्त लगी रक्त जोबले तंटी चिपिला सरोज सेठी से कुनी झीर नाक बाहर जो प्रश्न हूँ जे तार ब्लड सांपल सहित ए ब्लड को मैच करा कि नहले केमिति कहगला केमिति जो भाइराल मेसेज आसला जो लेगिंगस जबत है सेटा परीर बोली किए आईडेटिफाए कला अनेक प्रश्न आसुची जे केमिति दुर्गंध है ना केमिति डिकम्पोज है आ प्रश्न गोटे मुक्त गणमाध्यम हिसाब से दुई पक्ष को राखिक आम ए प्रश्न उठाऊ जदि एस आई टी गोटे पक्ष ताहले पीड़िता परीर बापा माँ भी गोटे पक्ष ता बापा माँ जो प्रश्न पचारुंट आम से प्रश्न को गणमाध्यम दायित्व हिसाब से सामना को आनीचु ए रोकटोक आज जो मैंने मो सहित सामिल है दिगहरा तदंत ए टॉपिक रे जो मैंने सामिल है सहित आपचय कर दूसरी मो सहित रे नयगढ़ नयगढ़ जिला कांग्रेस सभापति श्रीयुक्त रंजित दास श्रीयुक्त रंजित दास जड़े आईनजीवी से आज प्रेस मीट करके अनेक खुलासा भी करते मो सहित रे बीजेपी नेत्री ब्रह्मपुर मैडम बबिता पात्र किसी समय मध्य मो सहित आईनजीवी कल्पना पट्टनायक भी जोड़ी हे कि प्रथम आरंभ करने चाहिए रंजित बाबू आपण आज आप खुलासा करते आप जड़े आईनजीवी आपण भी परी आंदोलन सहित मूल जड़ित अच्छा रंजित बाबू दर्शक जानवाप चाहूबे आप जो पॉइंट आज रेज करके दर्शक सामना को आणतु जो कथ आप कौन जो आईन गला बाटर खसैयापाई चेषा कर रंजित बाबू देखु प्रथम आम कही एस आई टी पक्षर मान्यवर उच्च न्यायालय पाखे जो तदंतर अग्रगति संपर्क में जो जौमुद लफापे रिपोर्ट दाखल कर 16 तारीख रे डिसेंबर 16 तारीख रे एवं डिसेंबर 24 तारीख रे तार शुणा करने मान्यवर उच्च न्यायालय निर्देश देखते भितर 24 तारीख भितर सामाजिक सम्मेलन कर घटनार खुलासा करवा मु भावुची उचित है ना एवं दिगहरा तदंत कौटि ना कौटि क्या बचेवाई को मुंड को जगेपी एक दिगहरा तदंत बोली आज मोर सामाजिक सम्मेलन में कही द्वितीय कथा हला जो तदंत चली परी न्याय जो अभियुक्त धरा है किए अभियुक्त धरा हे गिरफ हम ताष्पत्ति कर तदंतकारी संस्था ताक कौन राजनीतिक दल कर्मी क्यों कौन सामाजिक कर्मी सामाजिक कहीं ताक निर्धारण करेंगे ना ताक तदंतकारी संस्था किए अपराध कर अपराधी की गिरफ्त करेंगे जो सरोज सेठी युवक को छात्र को जो गिरफ्त कर एस आई टी तरफ 20 तारीख में जो प्रेस रिलीज बाहर एस आई टी जदुपुर ग्राम जनक जनक व्यक्ति को गिरफ्त कर आसंता का मान 21 तारीख में पोक्सो अदालत में हाजर करा बोली एक प्रेस रिलीज बाहर गणमाध्यम आम देखल देखला जोबले कोर्ट में कोर्ट हाजर करागला मुझे कोर्ट में उपस्थित थी जो रिपोर्ट तर क्राइम ब्रांच जो वकिल महाशय बंधु आसते कटक्रु सर जो युक्ति उपस्थापन कले से कहले जे मुदलार बयस 18 वर्ष ओसीफिकेसन टेस्ट नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टीम ऑफ डॉक्टर ताकू परीक्षा करते गोटे ओसीफिकेसन रिपोर्ट से सर्टिफिकेट बाहरी से सर्टिफिकेट आधार में तार बयस हो 18 वर्ष रु ऊर्ध मोर आज प्रश्न मुझे रखी 18 वर्ष रु ऊर्ध जना पड़ा 21 तारीख दिन तेज 20 तारीख दिन केमी गोटे नाबालक जार जन्मगत प्रमाणपत्र अच्छी 6/2/2003 नयगढ़ विद्यापीठ परिषद रु जो सर्टिफिकेट प्राप्त होती सर्टिफिकेट तार बयस 6/2/2003 तार CHSC सर्टिफिकेट भी मुझे देखु थी से लिखाई 6/2/2003 तार जन्म तारीख हूँ 6/2/2003 6/2/2003 मान से जड़े नाबालक जो बाल अपराधी जो बाल अपराधी आईन भिन्न और जड़े साबालक आईन भिन्न
ଯଦି ଜଣେ ନାବାଳକ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିବ ତାର ସର୍ବାଧିକ ପନିସମେଣ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ ଦଫାରେ ଯେଉଁ ଦଫାରେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଜର ହେଇଛି ପୋକ୍ସୋ ମାନ୍ୟ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ପରି ହତ୍ୟାକାରୀ ଫାଶୀ ପାଉ ଆମେ ମୂଳରୁ ଏକଥା କହିଛୁ ଆଜି ବି କହୁଛୁ ପରି ହତ୍ୟାକାରୀ ଫାଶୀ ପାଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆଇନରେ ଏଭଳି ତଦନ୍ତରେ ଏଭଳି ଗଳା ବାଟ ନ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକିରି ହତ୍ୟାକାରୀ ଖସିଯିବାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ବବିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଇଏ ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ଇଏ ବକ୍ରା ବନାଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେମିତି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ କହିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଉ ବା ସିଏ ସଜା ପାଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ବକ୍ରା ବନା ନଯାଉ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ଇଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବବିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ପରୀର ବାପା ମାଆର ଆବାଜ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା 5000 ଶିଶୁଙ୍କର ଆବାଜ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବାତ୍ରାଜୀ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଇଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିକି ଗୋଟେ ନାଟକ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ଆକୁ କହିବି ଯେ ମୋ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ନାଟକକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ SIT ଟିମ୍ ଏବଂ SIT ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ SIT ଟିମ୍ ବା ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ରମାଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା 10 ଦିନ ପରେ ତାର ଶବ ତ ମିଳିଲାନି ତାର ଗଳିତ ଶବରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର SP ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ SP ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଟା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଇଥିଲା ସିଏ କାହିଁକି ଖୋଜିପାରିନଥିଲା ମୃତଦେହକୁ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମୃତ ଗଳିତ ଦେହ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଅଳ୍ପ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥିଲା ବାକି ହାଡ଼ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସେଇଟା ରଖାହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ି ତଳେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ବା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରୁ ସ୍ମେଲ୍ କାହିଁକି ବାହାରିନଥିଲା 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିଲା ସେ ଲୋକ ତ ଶୁଙ୍ଘିପାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁକୁର ମଲେ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମରିଛି ତାର ଗଳିତ ଶବର କ'ଣ ଗନ୍ଧ କିଛି ବାହାରିନି ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାଳକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଷୀ ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଛି ଏବଂ ମର୍ଡର୍ କରିଛି ତାହେଲେ 5 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସିଏ କ'ଣ IPS ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ପୋଲିସ ସେଇଟା କରୁଥିଲା କ'ଣ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବବିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା କାହିଁକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଲାନି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କେମିତି ହେଲା ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କଟକରୁ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡମ୍ ଇଏ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ କି ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଏ ତ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ତ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ଟା ଏପରି ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି SIT ଟିମ୍ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ଆସିବା କଥା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି SIT ଟିମ୍ର ଏଇ SIT ଟିମ୍କୁ ଆଧାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଯେମିତି ଆମର 302-376 ଯେତେବେଳେ ଅଫେନ୍ସ ଆସିଛି ତାକୁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜେ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିପାରିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ SIT ଟିମ୍ ତାକୁ କନଫେଷ୍ଟ କରାଉଛି
जे सी कौटी क्राइम कला ताकू डेड बॉडी नहीं कि कौटि पकईची से ए सब को आधार करके वर्तमान एसआईटी टीम तार तदंत को जारी रखी यही थी पारे से मर्डर कलापर कि दिन से रखी थी अगर कौ जगार तापर आणिक पकईची स्मेल तो जमीती है हम आज्ञा स्मेल केमती हेनी आम घर जदि गोटे मूषा मरी जा देखिए दी दिन पर घर भितर पशि हेनी जेहेतु ए गाड़िया पाख कथा ए गाड़िया पाखे ना कन्स्पिरेसी कहार कन्स्पिरेसी हम ये आक्यूज्र आक्यूज्ड कन्स्पिरेसी कर जेतेबेले सीए मर्डर करी कि रेप करी सेतेबेले सीए नर्भस हो भाया भाव आनी कौटी पकईची से तार मर्डर उपर से तार केमी भाव में खसब ये जिनस को सी घटना को डाइवर्ट ये गोटे षड्र जो थे नयागढ़ पुलिस भूमिका अच्छी आउ एसआईटी टीम भूमिका अच्छी रंजित बाबू आप आसबि आप प्रेस मिट करुले सीमेंट कथ उठेले पोशाक सीमेंट कथ टे दर्शक को कहतु जो कि नहीं कि सन्देह सृष्टि हो प्रश्नवाची सृष्टि हो रंजित बाबू देखु आज जो कथ रखी केस रेकर्ड को जांच कलापर मुझे तथ्य पाइली साधारण मु भी आश्चर्य हैली परीर गलित शब 24/7/2020 अपराह बाहर एवं से दिन सदर पुलिस नयागढ़ सदर थाना पुलिस से जो शर्ट को जबत कले जो शर्टा रेड व्हाइट ब्लू मिक्स्ड कलर रोटे शर्ट फ्रक गोटे फ्रक परीर फ्रक से शर्ट से बस्ता भितर थिला से बस्ता भितर बाहर कले एवं परीर हाड़मांस को जमी जबत है से बस्ता जबत है से गोटे जी आई तार थिला ताकू भी जबत करा गला जबत करा जाए कि 24/7 जो शर्टा जबत है 25/7 मु हिसाब करूली ये ड्यूरेसनटा 95 दिन 95 दिन पुलिस पाखरे से शर्टा रहा जो दिन परीर बापा माँ आत्महत्या उद्यम करते विधानसभा आगे पर दिन हूँ 25/11 नयागढ़ एसडीजेएम मध्यम से शर्ट को स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी रसुलगढ़ भुवनेश्वर को एक्सपर्ट ओपिनियन पठागला किंतु मुझे रखापी चाहूँगी पूर्व सदर पुलिस परीर खपुरी ता मृतदेह जो बाहर ता खपुरी तार फेमर बोन ता जंघर हाड़ एवं तार टीथ मोला टीथ ताकू 14/8 डेट्रे 29/8 नयागढ़ एसडीजेएम पाखे फुटअप करते सिल करके स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी पठाई थे एक्सपर्ट ओपिनियन पे मोर प्रश्न हूँ से शर्टा को कौन पर पठे ना से शर्टा कौन पर 95 दिन से शर्ट रहा थाना रहा साधारण कथा जितेबले गोटे आर्टिकल जो सीज है एटा इमीडिएट पठाई दबा कथा स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी की पुलिस पाखे रही जिते दिन रही हूँ आईन रला बाट बोली मुझे कहूँ से काली विश्वासयोग्य तथ्य भाव में कोर्टे उपस्थापन हो पार ना कारण सीज हबार 95 दिन कौ ग्राउंड नयागढ़ पुलिस किंबा हूँ कि नयागढ़ एसपी कौन पर थाना रखी से गोटे विश्वासयोग्य तथ्य हिसाब से ग्रहण करा जोटा एसआईटी मुख्य अस्त्र पर शर्ट एवं परीर लेगिंगस गत काली परीर लेगिंगस से पोखर बाहर बोली गणमाध्यम आम देख लु परीर लेगिंगस सी जो पिंधि से चिन्हट करेंगे दु जन जड़े है परीर माँ जे 14/7 जो पिंधि सका गाधर माँ पिंधि पिंधि सी चिन्हट कर मो झीर गोटे मिनट कहूँ शुणु ना जी खोली जी खोली सरोज सेठी सी चिन्ह जबत है से लेगिंगसटा
ସେତେବେଳେ ପରୀର ମା ପାଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେଇଟା ତା ଝିଅର କି ନୁହେଁ। ନଚେତ 27 ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଲିଡିଂ ଟୁ ଡିସ୍କଭରିରେ ମୁଦଲାକୁ ଆଣିକିରି ଠିଆ କରିବା କଥା ଯେ ତୁ ଏଇ ଲେଗିଂସଟାକୁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପକେଇଥିଲୁ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ହଁ କରିବା କଥା। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଦୁଇଟା କଥା ମଧ୍ୟ କାଲି ହେଇନି। ଏଇଟା ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇନର ଗଳାବାଟ। ଏଇଟା ବି ଆଇନର ଗଳାବାଟ। जो एग्जांपल देले रंजित बाबू से भी निजे जड़े आईनजीवी से आईन आधार एक कथा प्रश्न करुछंती किए आइडेंटिफाई कला सरोज ना परीर बापा माँ जदि करना ताले किए लेगिंस परीर बोली केमती जना पड़ा। बबिता मैडम आपण को रिएक्शन नाप चाहिए ये गोटे घंट घोड़ा अभियान एटी जो मानक ना से कुनी झीर माँ बापा नौंती तदंत परिसर को अणा जाऊनि जे तदंत करुछंती सरकार को भय आउ एठी मंत्री अरुण साहू का ना भी आसूँ जे से घंट घोड़ाई चेष्टा करुते आते प्रश्न पचार से भी उत्तर दौना बड़ कथा ये गोटे सुरक्षा अभियान एस आई टी भी सामिल ए प्रश्न आसूली से जिन कह चाहूली जे जदि जनक घरे कि मर्डर है चोरी है प्रथम पर लोक पचारती तुम क्या डाउट अच्छी प्रथम चित्कार करीर बापा माँ कहते हैं मुख्य अभियुक्त होती बाबुली नायक तेणु बाबुली नायक और तार सहयोगी आउ तीन चार जन ना से नौ कि आज पर्यटन ना पॉलीग्राफ टेस्ट करागला ना ताक तदंत परिसरभुक्त करागला पुणी से पुणी से जो ओडिया भाइराल अरुण साहू मंत्री अरुण साहू को ताहा कौन आज पर्यटन तदंत परिसरभुक्त हो ना आज पर्यटन ना अरुण साहू को कौन प्रकार तदंत परिसरभुक्त करना कौन प्रश्न भी पचार सब बड़ प्रश्न हूँ पल्ली टू दिल्ली पर्यंत आज निया जलुची परी को न्याय देवाई किंतु मुख्यमंत्री आज चीर निद्रे शुंट मुख्य अरुण साहू को आज पर्यटन बहिष्कार करना जड़े प्रभावशाली व्यक्ति पदवी से जड़े कैबिनेट पदवी में रहा कौ भाई भाव में तदंत निरपेक्ष तदंत हो पार तदंत बाट बणा होगाटा आम आगु जानूँ बर्तमान भी जानूँ एवं भारतीय जनता पार्टी आभिमुख्य स्पष्ट अच्छी जे सी परी को न्याय देवाक चाहिए परीर दोषी को बा अभियुक्त को दंड मिलू एवं राज्यर जो 5000 शिशु निखोज अच्छा दंड मिलू एवं ए समस्त पाई दरकार केवल सीबीआई तदंत बिना सीबीआई तदंत में कौन सी प्रकार निष्कर्ष बाहरी पार ना एवं दोषी को दंड मिल पार ना एवं जो 5000 ऊर्ध शिशु आज निखोज अच्छा जार हत्या भी करय मिलना आम आरंभ कौचु एवं बर्तमान कौचु भारतीय जनता पार्टी ताप पदयात्रा कर जनजागरण सृष्टि कर लोकों निकट में ये जिनस बार्ता पहुँचवाक चाहिए आपण मान न्याय मिलवापी केवल परी गोटे शिशु नुह परी भि पिहू अच्छी इमें बहुत शिशु अच्छा जो मान प्रति अन्याय हो सब बड़ जिन आज पर्यंत से बाबुली नायक तदन परिसरभुक्त कर जो डक्टर प्रथम जो डक्टर कही थे जना पड़ ना ए दुष्कर्म कराई ना बर्तमान जो डक्टर कौन दुष्कर्म होकर भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराऊ कह एसपी दिवाकर प्रत्युष दिवाकर को मध्य तांकर भी ताकू मध्य तदंत परिसरभुक्त करा जाउ एवं सब यदि ए बड़ प्रश्न बीजेपी रे प्रश्न पॉलीग्राफ टेस्ट हो आज गोटे मिसकेस फाइल हेछि ज्योति रे डिमांड हेछि जे जे अरुण बोथरांकर पॉलीग्राफ टेस्ट हो मु आसीबी कल्पना मैडम आपण को पाखो आसीबी आपण जेमती कहउतिले जे पारिपार्श्विक प्रमाण आउ साइंटिफिकल एविडेंस ये वैज्ञानिक प्रमाण आधारित किसी तथ्य अच्छी कि कोर्ट ऑफ लॉ रे प्रमाणित करि परिबे कि कारण गोटे चेन भी न मिसिले पारिपार्श्विक प्रमाण को प्रमाणित करा जाय परिबनी। निश्चिंत भावरे एठी जदी तांकर कहिबा अक्यूज जा कन्फेस्ट करूची जे लीडिंग टू डिस्कवरी जोटा आमर आसूची अक्यूज को सेती नहीं थांते से स्पॉट विजिट करथांता मुँह लेगिंग्स पकईची मुँह तार डेड बॉडी पकईची सी स्पॉट विजिट रे सेटा को आइडेंटिफाई करथांता ताले जानिथिबे ताले छे कन्फेस्टा आमर ल अनुसार दैट इज राइट पॉइंट किंतु जदि कन्फेस्ट बिफोर पुलिस ताले दैट इज नॉट जस्टिफाइड सेटा प्रूफ करिबा पई एस आई टी टीम को बहुत कष्टकर हबो कारण सी बंद कमरा भितर ताकु जबरदस्ती हेइताई पारे ताकु जबरदस्ती करचंदी एवं से फ्री ऑफ माइंड जोटा को कह जाए फ्री ऑफ माइंड से स्टेटमेंट दे न ए विश्वास आमर आसूची फ्री ऑफ माइंड जदि से किसी कही था जे ना मुटा को करी कि ना मुझे भूल करी किंतु ताकु गोटे बंद कमरा भितर जो पॉलीग्राम टेस्ट कर कि लाइट डिटेक्टर करपूर्ण भाव में आईन अनुसार जिते ट्राएल आसो ये निश्चिंत भाव में दोषी खसीज
एटा आपण भी जानिबे एटा लॉ भी कहुची जदी कन्फेस्ड बिफोर पुलिस सेटा निश्चिंत भाबरे भूल आसीबो जदी स्पॉट विजिट करिथांते आइडेंटिफाई करिथांते लीडिंग टू डिस्कवरी करिथांते मु मारिची मु एठी दुष्कर्म करथिली मु मारिथिली एमिति मारिथिली एठी नै पकेची एतेक दिन मु डेड बॉडी रखिथि ताले आगे से केस को आपण तर्जमा करबा पई एवं ट्रायल ले दोषी साब्यस्त करबा पई इजी हेतांता त माने एक दुर्बल केस ये प्रमाणित करा जाई पारिबोनी ना केबे नुह कारण एसआईटी टीम जहाँ करुँचे वर्तमान सेटा से बिगिनिंग रु करिबा कथा थिला जेमती तार ड्रेस को साइंटिफिक टीम को दिया दिहाई था तार सीमेंस अच्छी कि नहीं सेटा जानी था ता संगे 376 रेप एज कि फार फास्ट बिगिनिंग रु जना पड़ जाता ता संगे मर्डर केस कि मैंने प्रोसेसिंग ऑलरेडी डिले प्रोसेस डिले माने निश्चिंत भाव में कौटि ना कौटि से लाकुना छाड़ी पुलिस डिपार्टमेंट जो जिनसटा को चपे देवाई वर्तमान चाहते सहीटा निश्चित भाव में फ्यूचर में कोर्ट्रे से प्रूफ करवा बहुत डिफिकल्टी जब जमी आमर एस आई टी रमुख जो भाया कहले आलीगेसन दौर गोटे भिक्टीम आते कम आक्यूज सरी आक्यूज निजे कहे मत 5 लाख दौले पारे भयभीत होगी जे प्रकृत में समस्ते यह चाहते जदि जी दोषी ताकू दंड मिलू किंतु आपण जो कहते जे आईन रला बाटे दोषी खसी न जाऊ जदि ये बकरा ताहले भी परी को न्याय मिलूनी जदि ये दोषी ताहले जदि कमजोर रही दुर्बल प्रमाण रथ्य प्रमाण रही न्याय मिल पारनी रंजित बाबू आप शेष रियाक्शन जे प्रकृत में तेल न्याय केमती मिल देखु दुर्गाशीष बाबू आम बकरा कहीपर एबे भी से एई क्राइम करि थई पारे कि सरोज से रंजीत बाबू मो प्रश्न उठो पकर पहुंचि थांती आज्ञा मो भी सहित आपन को एकमत आपन सहित एकमत किंतु ये प्रश्न आसुची जे बकरा हेई खाई पारे न हेथिबो बोली भी कहि हबनी यस आज्ञा कहि हबनी आज्ञा आज्ञा सुनंतु एतरे हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट एक घटना को नयागढ़ परी हत्या घटना को बहुत गंभीरता से नहीं आपण विभिन्न तारीख में से जो भाव में एस आई टी हूँ पुलिस डीजी उच्च कर्तृपक्ष को निर्देश दौंती तार तदंत रिपोर्ट देवाई गिरफ हेला ना देवाई आम भाव माननीय हाईकोर्ट या गंभीरतार तेणु परी निश्चित भाव में न्याय पाइब एवं जो आईन रला बाट बर्तमान तैयारी एसआईटी वाला तत्परता सह कार्यकर करुँचु तले जोबले तलू जो नयागढ़ सदर थाना 14-8 तारीख में जो केसटा टर्न कला 363 दफर 302 दफा को सेतबेले 302, 364, 201 376 दफा लग ना पक्ष दफा लग ना बर्तमान जो केस नुआ केस रेजिस्ट है कौटी आपण क्राइम ब्रांच गोटे 14 नंबर केस रेजिस्ट होती से केस रे पक्ष दफा लगिक रेजिस्ट है कि बर्तमान जो परीर सार्ट हूँ तार लेगिंगस कथा कहतु ताकू प्रॉपर आइडेंटिफाई प्रॉपर प्रूफ देकरी ताकू काम करिवा कथा जो थे आईन रला बाट एमती न बाहर जमी से खसीज मु बबिता मैडम जो कथा कहले भारतीय जनता पार्टी जनता ग्रहण करुच्छी पदयात्रा करुच्छी आज्ञा पदयात्रा गोटे फार चली निर्वाचन प्रचार राजनीति आरोप प्रत्यारोप जी चाहूँ रंजित बाबू आम ये परीर न्याय लड़े करीर न्याय कथा रंजित बाबू ये परीर न्याय कथा रंजित बाबू ये आरोप प्रत्यारोप समय रंजित बाबू ये आरोप प्रत्यारोप समय नुह रंजित बाबू ये आरोप प्रत्यारोप समय नुह जनजागरण जनजागरण चलती बबिता मैडम रिएक्ट करंतु बबिता मैडम रिएक्ट करंतु दुर्गाशीष कहतु मैडम कहते से अभियोग आनी रंजित बाबू जी फार्स कर आज्ञा देखु जोबले बीजेडी सरकारी दल जो भाई भाव में तदंत को बाटबड़ा करुँचं दोषी को धरूना अरुण साहू को बहिष्कार करूना जो मैंने प्रकृत दोषी से सपक्ष में सब प्रमाण नष्ट चलते सहित स्वर से स्वर मिले सरकार द्वारा प्रदत्त एस आई टी टीम को समर्थन करते कंग्रेस स्वर से स्वर मिले चलू से कौन भारतीय जनता पार्टी घरे शोब गोटे विरोधी दल भाव में पूरी को न्याय देवाई राज्यर बाकी
ବାକି ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିଶୁମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ତୀବ୍ରତର ମଧ୍ୟ କରିବ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଜଳିବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଅଭୟା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟାର ମା ଯେତେବେଳେ ପରୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପିଲ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ ସଠିକ୍ ରାୟ ଦେବେ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବବିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଯେଣିକି ସେ ତେଣିକି ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟର କଥା। କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୱିକ୍ଲି, କେମିତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କ୍ୱିକ୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ 100 ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୋଷୀ ନ ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କଥା। ଆଉ ଆଉ ରହିଲା ତା ବାପା ମାଆ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କାଲି ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ 4.25 କୋଟି ଜନତା ଆଜି ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ କେଉଁ ଦିଶା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ନୁହନ୍ତି ସେ SIT ଟିମ୍ ଉପରେ, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ, CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା, କାନୁନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ହଉ ପଛକେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି ସତ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଦୋଷ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କାନୁନ ଆଗରେ କେବେ ହେଲେ ଖସିବନି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି 4.5 ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଆଇନ ହାତରୁ ଖସି ପାରିବନି। ସେ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ସେ ଯେତେ ବଡ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଡିବେଟ୍ରୁ। ସିକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାର ହତ୍ୟାର କଥା, ତା ବାପା ମା SIT ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ନାଟକ ବକ୍ରା ବନାଯାଉଛି, ଇଏ ପରୀର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ ଆମେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ, ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିନି SIT। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ SIT, ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର, ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ କି, ପରୀ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ପିହୁ ହଉ, ସ୍ୱାତି ହଉ, ଆଶୁ ହଉ ବା ବାବୁଲା ହଉ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ଏମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ତା ସହିତ ଏ 5000 ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁ 5000 ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ୍ ଉଠାଇବ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋକଠୋକ୍ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।